सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और आप हैं काविश के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज मरीन एक्वेरियम एक्वास्केप और हार्डस्केप, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग एक्वास्केप करेंगे अपने 6 फीट मरीन टैंक का। फ्रेंड, आज की जो वीडियो है ये हमारा 6 फीट मरीन टैंक का एपिसोड 8 है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लिए सीरीज का एपिसोड, तो आप लोग आज का एपिसोड ज़्यादा सही से समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट अगर आप एक्वास्केप कर रहे हैं तो डायरेक्टली आज की वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो लोग एक्वास्केप करेंगे अपना, इसका हार्डस्केप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि पत्थर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर पत्थर रखेंगे, है ना, डिज़ाइन करेंगे उसको। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, कोई भी पार्ट स्किप ना करिएगा। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे पार्ट स्किप कर दिए, मतलब कि क्रॉप कर दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें टाइम लैप्स में हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को स्किप करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और एक्वास्केपिंग करना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्वास्केप करने के लिए पहले तो आप लोग को एक्वास्केपिंग के मेन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझना पड़ेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, मेरे सामने एक पेपर रखा हुआ है और इसमें हमने 2 टैंक के व्यू बनाए हुए हैं। ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा फ्रंट व्यू है। मतलब कि अगर आप टॉप से देखें अपना एक्वेरियम, अपना टैंक, तो आपको ऐसा दिखेगा, और अगर फ्रंट से देखें तो ऐसा दिखेगा, है ना। तो मतलब ये बेसिक हमने बनाया हुआ है और ये हमारा 6 फीट लेंथ है और ये 2 फीट है, और ये बीच में ओवरफ्लो बॉक्स है। टॉप व्यू से अगर आप देखें तो बीच में ओवरफ्लो बॉक्स आप लोग को दिखेगा। तो मैं एक्चुअली बेसिकली करना क्या होता है, आप लोग को जैसा भी स्केप करें तो जो है स्केप आपका एजेस से टच नहीं होना चाहिए, स्पेशली मरीन में। आप प्लांटेड वगैरह में तो कर सकते हैं बट मरीन में नहीं करना चाहिए एजेस से टच। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मरीन एक्वेरियम फ्रेंड्स आप इजीली उसको मतलब कि शिफ्ट वगैरह नहीं कर सकते, क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर एक्वास्केप दूर रहेगा तो जो है आपको एक तो पहली बात तो मैग्नेट स्क्रेपर जो होता है क्लीनिंग करने में आपको आसानी रहेगी, सारी एजेस पर आप अपना हाथ लेके जा पाएंगे या मैग्नेट क्लीनर लेके जा पाएंगे। और दूसरी बात, जो वाटर का फ्लो होता है फ्रेंड्स वो मरीन टैंक में ज़्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू अपना जो फ्रेश वाटर टैंक होता है। तो फ्रेंड, इसलिए आपको एजेस से भी दूर रखना हो ताकि वहाँ पर वाटर सर्कुलेशन अच्छा हो सके। तो जैसे कि अपना ये टैंक है, तो जो लोग कैसे एक्वास्केप करेंगे, अपना जहाँ पर अपना ओवरफ्लो बॉक्स आ गया तो इससे भी दूर रखना है। तो हम लोग का एक्वास्केप अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस टाइप से रहेगा, मतलब कि ऐसे एरिया कवर करेगा, और इस साइड का जो रहेगा वो भी कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको ओपन एरिया देना है यहाँ पर ताकि फिश स्विम करें। तो यहाँ पर कुछ हम लोग ऐसा देंगे, चारों तरफ ओपन एरिया टाइप का रहेगा, है ना। ये हो गया हम लोग का एक बेसिक स्केप, और इसको ज़्यादा हम बीच में खुला रहने दें क्योंकि ओवरफ्लो बॉक्स भी यहाँ पर अगर हम ज़्यादा पास लेके जाएंगे तो टच करने लगेगा, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो फ्रेंड, ऐसा कुछ एक्वास्केप अपना रहेगा, एक बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं, है ना। और फ्रेंड से बात करें, फ्रेंड्स एक्चुअली हमने क्या सोचा हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इधर बना रहे हैं, तो जो ये कुछ इस टाइप से जाएगा ऐसे कुछ होते हुए यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और इसमें बीच में मतलब ये केव्स टाइप में रहेगा, अभी आप लोग आगे पता चलेगा कैसा रहेगा। एक अपना एक बेसिक डिज़ाइन है, मतलब कि अलग अलग तरह के पत्थर जाएंगे ऐसे करके जुड़ेंगे, आप लोग को आगे पता चलेगा। और इधर वाला जो रहेगा ये अपना कुछ हमने ट्री टाइप में कुछ सोचा हुआ है, इस टाइप से रहेगा ऐसे करके कुछ हमने सोचा हुआ है, ये कुछ प्लान है मेरा इस टाइप का। इसकी हाइट थोड़ी कम रहेगी, इतनी हाइट नहीं रहेगी, जितनी हाइट इसकी रहेगी उतनी हाइट इसकी रहेगी। एक्चुअली हाइट कैसे देखना होती है फ्रेंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना ये 2 फीट हाइट है इसकी, तो 2 फीट हाइट में पहली बात तो अपना 2 इंच तो पानी नीचे रहने वाला है, तो जो उसका मार्जिन ले सकते हैं आप, लाइन ड्रॉ कर लिए कि ये 2 इंच यहाँ से रहेगा और 2 इंच नीचे से अपना ऊपर रहने वाला है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ पर सैंड आ जाएगी अपनी, तो ये भी 2 इंच का मार्जिन ले लिया। अब जो अपना जो बीच में बच रहा है, बीच में 24 इंच पहले था, तो 2-2 इंच कम कर दे, तो अब 20 इंच बीच में एरिया बचा है अपना। तो 20 इंच को अब हम लोग क्या करेंगे, 20 इंच को हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो फ्रेंड ये अप्रॉक्सीमेटली अपना 6.5 के अराउंड आएगा, है ना। तो जो है अपना क्या करना है, 6.5 के हिसाब से अपने 3 डॉट रख लेना है यहाँ पर ऐसे, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है आपको इसको, ऐसा कुछ कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इसमें, ये देख सकते हैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेना है, ये देख सकते हैं। अब ये अपना 3 पार्ट में टैंक डिवाइड हो गया है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को ये वाली जो लाइन है इसके पास में अपना स्केप रखना है, और ऊपर के जो 2 पार्ट हैं, है ना, ये जो अपना 70% जो एरिया कह सकते हैं ये जो अपना है इसको अपना ओपन रहने देना है, और ये वाला तो बिल्कुल भी टच नहीं करना, जो सबसे ऊपर वाला एरिया ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर एक्वास्केप बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये पूरा ओपन एरिया रहेगा। और ये जो अपना मेन एक्वास्केप रहेगा वो अपना नीचे वाले स्केप पार्ट में रहेगा, और बीच वाले पार्ट में थोड़ा बहुत स्केप जाएगा,
क्योंकि अगर आप यहाँ पर, आपको ये देखना है कि आपके इस एरिया, ये जो आपका बीच वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ पर आपके इन्वर्टिब्रेट्स आएंगे, है ना। तो आपको ये चीज जरूर देखना है कि इन्वर्टिब्रेट्स आपके इस एरिया में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को इन्वर्टिब्रेट्स रखना है, तो उस हिसाब से आप लोग को एक्वास्केप करना है। तो ये वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पर आप अच्छे से एक्वास्केप कर सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्वास्केप कर सकते हैं आप। एक चीज़ और है कि ये जो स्केप एक्चुअली यार हमने इधर वाले लेविटेटिंग क्यों बनाई, क्योंकि मैंने जब बैक साइड से यहाँ पर, तो अपना ओवरफ्लो बॉक्स आ गया, यहाँ पर अपना सेंटर में ओवरफ्लो बॉक्स है, है ना। तो सेंटर ओवरफ्लो बॉक्स आ गया, तो फ्रेंड्स ये एरिया बिल्कुल उड़ता हुआ, जब बैक साइड से देखेंगे टैंक को, क्योंकि ये फ्रेंड्स टैंक 360 डिग्री से दिख रहा है, तो जब इसको बैक से देखेंगे फ्रेंड्स ये वाला एरिया उड़ता हुआ दिखेगा, तो ये काफ़ी एक मतलब कि एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाएगा कि ये इतना भारी रॉक उड़ कैसे रहा है। और कल को जब इस पर एनिमोन्स वगैरह इन्वर्टिब्रेट्स आएंगे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी कि ये हवा में उड़ता हुआ, स्पेशली बैक साइड से। फ्रंट से तो ये वाला हमारा ये चीज़ ट्रंक दिखेगा, बट बैक साइड से ट्रंक उतना हाईलाइट नहीं होगा, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी उड़ता हुआ। ये लेविटेट करता हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा, लेविटेटिंग एक्वास्केप आप कह सकते हैं, बैक साइड से लगेगा देखने में थोड़ा सा ये। देख सकते हैं ये हमारे एक्वा फॉरेस्ट के रॉक हैं, जिनको लोग निकाल रहे हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 बॉक्स हैं टोटल, और एक बॉक्स में हमारा 10 kg होता है। तो जो ये देख सकते हैं इसमें से कुछ रॉक्स हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसा हमको एक्वा एस्केप करना है, पहले तो रॉक्स सेलेक्ट करना है, उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो है आप लोग को कैसे रॉक चाहिए हैं, और कौन सा रॉक कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो रॉक का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और हम कहेंगे कि अगर आप लोग को अच्छा एक्वास्केप बनाना है, लिटरली मतलब कि अच्छा एक्वास्केप आपको कुछ बनाना है, कि जैसा आपका डिज़ायर है, जिस टाइप का आपको चाहिए एक्वास्केप, तो फिर आप लोग को रॉक थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रॉक लेने पर आप लोग सही एक्वास्केप नहीं बना पाए, क्योंकि काफ़ी सारा रॉक ऐसा होता है जो कि अपना एक्वास्केप के हिसाब से नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका काम 40 kg का है, तो आपको 50 kg, मिनिमम 50 kg लेना पड़ेगा, या फिर 60 kg भी ले सकते हैं, वो टोटल डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसे अलाउ कर रहा है, बट थोड़ा ज़्यादा तो आपको रॉक लेना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा एक्वास्केप बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जैसा हमने एक्वास्केप सोचा था वैसा थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा है वैसा, और ये देख सकते हैं ये हमने सपोर्ट दिए हुए थे ताकि हम रख सकें वैसे और कुछ कर सकें, और ये गिर रहे हैं, बस हमने टेम्परेरली रखा हुआ था। और अब जो मेरे ऊपर की जो मेन आर्च है, तो हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो आर्च कैसे बनाना है, ये देख सकते हैं जो मेन ट्रंक है हमारा, या फिर पिलर कह सकते हैं उस पर, और ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सीमेंट बना रहे हैं। एक्चुअली ये जो सीमेंट है ये एक्वा फॉरेस्ट की सीमेंट है, और हमने सोचा था कि एक्वा फॉरेस्ट का रॉक यूज़ कर रहे हैं, तो एक्वा फॉरेस्ट का सीमेंट भी साथ में सही रहेगा। और हमने कभी इसको कॉम्प्लेक्स एक्वास्केप में यूज़ नहीं करा था इससे पहले एक्वा फॉरेस्ट का सीमेंट, और फ्रेंड इसका बैच बनाना काफ़ी ट्रिकी होता है, अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो ये सेट नहीं होगा, कम पानी डाला तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप लोग एक परफेक्ट अमाउंट में डालना पड़ता है। और ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं, देख सकते हैं तो कितना ही लेट हुआ, आपके सामने लाइव वीडियो चल रही है, कितना ही लेट हुए हैं, और इतनी देर में ये ड्राई हो गया, और देख सकते हैं हम ट्राई कर रहे हैं बट कोई भी कामयाबी नहीं मिली, और ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ। तो जो कुछ जितनी लगाई थी सीमेंट, ये सारी सीमेंट साफ़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर भी स्टिक हो गई है वहाँ पर से क्लीन करने प्रॉब्लम होती है। देख सकते हैं पहले लोगों ने रॉक पर डाली थी, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत स्टिक हो गई, बट बाद में जितनी देर लगी रॉक रखने में, उसको हार्डली लेस देन 30 seconds लगा होगा, है ना, तो जो उसमें ड्राई हो गई। हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, पूरी क्लीनिंग कर ली हम लोगों ने उसकी, अप्रॉक्सीमेटली 30 minutes लगा होगा अच्छा साफ करने में। अब फिर से दूसरा बैच अपना बनाया, अब देख सकते हैं थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ये चीज़, और फ्रेंड्स ये रियल टाइम चल रही है वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी कट नहीं है पार्ट की हमने सीमेंट डाली हो। अब ये देख सकते हैं फ़ौरन ये सीमेंट डाली, और फिर उसके बाद जल्दी से ये वाला पीस हम लोगों ने रखा, और रखने के बाद जितनी जो एक्सेस में जितनी भी सीमेंट देख सकते हैं इसको सबको अच्छे से प्रेस करना होता है, मतलब कि प्रेस क्या मतलब कि अच्छे से आप लोग को एक एक जॉइंट में फिल करना होता है। और जल्दी से अपना ये जो मेन ग्लव है अपना, इसको निकाल के, और अपने जो रबर ग्लव्स हैं हमारे वो पहन रहे हैं, ताकि हमारे फिंगर्स और नेल्स ना ख़राब हों। और ये देख सकते हैं इसको अच्छे से आप लोग को बिल्कुल फिट करना होता है, उसमें एक एक जितने भी जॉइंट्स, मतलब कि जॉइंट के जितने भी ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, रफ जगह होती है, वहाँ पर करना होता है। और अब ये देख सकते हैं जितनी एक्सेस है,
एक्सेस में जितनी भी हमारी सीमेंट है उसको क्लीन कर रहे हैं हम लोग, और फिर से दूसरा बैच में भी अब ये देख सकते हैं तीसरा बैच है अब हमारा ये डाल के हम उसको बराबर कर रहे हैं, और अब उसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे से रॉक पीसेस चिपका रहे हैं ताकि देखने में गंदा ना लगे ये, और अब उसको रख दिया हम लोगों ने ड्राई होने के लिए। अब हम लोग जो मेन जो हमारा जो पिलर रहेगा मतलब कि जिसके ऊपर ये हमारा आर्च रहेगा वो कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं हम लोगों ने हैवी पीस लिया उसके ऊपर दूसरा पीस लिया क्योंकि थोड़ा सा इंटरलॉक हो सके उसके ऊपर। फ्रेंड इसीलिए कहते हैं मतलब कि जो इंटरलॉक हो पाता है ना वो चीज़ नहीं हो पाती अगर आप लोग बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट ऑफ रॉक लेंगे, क्योंकि अब उन्होंने यहाँ पर पोर करा जो अपना सीमेंट है देख सकते हैं काफ़ी सारा सीमेंट पोर करा है हम लोगों ने। और फ्रेंड्स ये जो सिर्फ बेस था हमारा, ये जो बेस बना रहे हैं अभी हम अभी पूरा कंप्लीट नहीं, आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसको बना रहे हैं, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 25% जितना पैकेट के अंदर था उतना हम लोगों ने सिर्फ इसी बेस में लगा दिया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग चाहिए था हम लोगों को, इसको काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने इसके अंदर सीमेंट लगाया था और मतलब कि अपना बेस्ट ट्राई करा था इसके अंदर सीमेंट लगाने का, और आप लोग को आगे पता चलेगा क्या हुआ था इसके साथ में। और हमारा डे टू है, एक दिन हम लोगों ने इसको रख दिया 24 आवर्स ड्राई होने के लिए, और अब देख सकते हैं कि ड्राई हो चुका है मतलब उठाने पे टूट नहीं रहा है ये जो हमारा मेन आर्च है। और एक्चुअली आर्च के अंदर हमने एक चीज़ और लगा दी थी, उसके अंदर हमने टू पार्ट सॉल्यूशन भी लगा दिया था ताकि और अच्छे से ये ग्रिप बना ले, क्योंकि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये रॉक काफ़ी पतले हैं और इनके ऊपर लोड काफ़ी रहेगा वाटर फ्लो जब आएगा इसके ऊपर ना, तो इस वजह से इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिर से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टू पार्ट सॉल्यूशन लगा रहे हैं और सुपर ग्लू वगैरह भी यूज़ करा था हम लोगों ने, मतलब कि जो भी बेस्ट हो सकता था इस आर्च के अंदर हम लोगों ने लगाया। दूसरी जो आर्च एक टूटी निकली थी बॉक्स के अंदर उसको भी फिट कर हम लोगों ने रख दिया पीछे देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है इसके ऊपर, ऐसा करके कुछ हम लोग करने की सोच रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग इसको फिट कर रहे हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं हम लोग कुछ केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने गॉगल्स पहने हुए थे ताकि हमारे आइज़ के अंदर जो उसका फ्यूम्स उठते हैं वो ना जाए। और अब देख सकते हैं डे थ्री, अब देख सकते हैं ये जो आर्च हम लोगों ने बनाया था ये ड्राई हो चुका है, और दूसरा वाला भी जो आर्च है ये भी ड्राई हो चुका है, जो टूटा निकला था बॉक्स के अंदर, एक्चुअली इन दोनों में से कोई एक टूटा निकला था और एक हम लोगों ने बनाया था पीसेस को जोड़ के। हम लोग इसके नीचे से सपोर्ट हटाएंगे और देखेंगे कि ये लोड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, और देख सकते हैं लोड तो ले रहा है जो हम लोगों ने जोड़ा था, बट ये लोड से पलटा जा रहा है मतलब कि नीचे साइड हम लोग को थोड़ा और सपोर्ट देना पड़ेगा या फिर बैक साइड में देख सकते हैं इस साइड पे एक और रॉक लगाना पड़ेगा ताकि काउंटर बैलेंस कर सके वो। देखते हैं इसको अभी कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि काउंटर बैलेंस कर देंगे तब तो रुक जाएगा बट स्टिल वाटर के फ्लो से हिल सकता है ये, तो नीचे कुछ पीसेस और जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीज़ ना हो। तो नीचे हम लोगों ने एक बड़ा पीस जोड़ा और बिल्कुल फ्लैट पीस जोड़ा, ऐसा पीस जोड़ा कि जिसकी वजह से ये सैंड के अंदर चला जाए पीस पूरा। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने सीमेंट नहीं यूज़ करी, हम लोगों ने कोई दूसरी चीज़ें यूज़ करी, हम लोग इसको देख सकते हैं इसको हम लोग अपने टैंक के अंदर रखने जा रहे हैं, और ये हमारा काफ़ी कह सकते हैं क्रूशियल मोमेंट था। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरा अपने एंड से ट्राई करा कि हम ही इसको पकड़ें सही से, क्योंकि कोई और कहीं से ही पकड़ देगा तो हो सकता है टूट जाए, क्योंकि कुछ पीसे तो हम लोगों ने छोटे मोटे इसके ऊपर लगाए हुए हैं ताकि हम लोगों की सीमेंट ना दिखे और जो टू पार्ट सोल्यूशन यूज़ करा है वो ना दिखे, सुपर ग्लू एंड ऑल दैट वो सब ना दिखे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि जो है ये एक जगह से टकरा गया था, तो जो है टकराने पे क्या हुआ कि जो है वो जहाँ पर लोगों ने सीमेंट लगाया था जो मेन स्ट्रक्चर बनाया था वो ब्रेक हो गया, मतलब कि टकराया मेरा दूसरा पार्ट था और ब्रेक वहाँ से हो गया। ये देख सकते हैं पूरा यहाँ से मतलब कि 25% पैकेट खाली कर दिया था यहाँ पर एक्वा फॉरेस्ट का सीमेंट का, बट अच्छी ग्रिप नहीं बना पाया। और ये दो दिन ड्राई होने के बाद ये हाल है, मतलब कि इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, दूसरा कोई चीज़ यूज़ करी होती हमने जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो मेरा इतना टाइम भी ना वेस्ट हुआ होता और जल्दी हो गया होता, तो मतलब कि बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था जब ये पूरी अपनी 3 दिन की मेहनत थी और ये बेकार हो गई थी पूरा, मतलब कि पूरा इसी स्केप पे 3 दिन मेहनत करी थी हम लोगों ने और सिर्फ इस आर्च को बनाने में।
तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं उसको फिर से हम लोगों ने सपोर्ट दे दिया अपने पुराने मेथड से, टू पार्ट सॉल्यूशन वगैरह हमने लगा के वहाँ पर। अब देख सकते हैं दूसरे साइड का हम लोग एस्केप बना रहे हैं। एक्चुअली दूसरे साइड का जो एस्केप बना रहे हैं ये हम लोगों ने 4 to 5 times अलग अलग तरह के एस्केप बनाए थे, मतलब कि स्केप बेसिकली सेम टाइप के थे बट आर्चेस का शेप, साइज, एंगल वो सब थोड़ा सा अलग था, है ना। तो जो है ये देख सकते हैं, तो एक जो आर्च बनाई हम लोगों ने वो ऊपर एक आर्च है, उसके नीचे 3 pieces और जोड़ के उसको थोड़ी हाइट दी है हम लोगों ने। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं दूसरी आर्च हम लोग रख रहे हैं। फ्रेंड नीचे जो आप लोग आर्च बनाते हैं ना उसको हमेशा ये सोच के चला करिए कि वो 2 to 3 inches सैंड के अंदर दब जाएगी, तो आपको कितना एरिया ऊपर दिखेगा, कितनी आर्च दिखेगी, ये चीज़ सोच के हमेशा नीचे वाली आर्च बनाया करिए। और यही चीज़ माइंड में भी रखा करिए कि ये कितना आप लोग को सैंड के बाद मिलने वाला है। तो अब उसके बाद दूसरी आर्च हम लोग रख रहे हैं जो कि हम लोगों ने बनाई थी, और इसके आगे हम लोग एक दूसरा पीस रख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग ऐसे रखा है। जब हम लोग लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इधर से भी एक वो आर्च आर्च दिखेगी, मतलब कि ऐसे वो पीस रखा हुआ है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं हम लोग कुछ और पीसेस हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। तो जब ये देख सकते हैं इसको हम लोग रख रहे हैं टॉप पे, और इसको भी फिक्स करते चल रहे हैं हम लोग, जो कुछ भी बना रहे हैं सबको फिक्स करते चल रहे हैं हम लोग। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और पीसेज हम लोग फ्लैट पीसेज जोड़ रहे हैं ताकि इसके ऊपर हम लोग अगर कुछ इन्वर्टिब्रेट्स रखना चाहें या एनीमोन रखें तो वो। फ्रेंड्स ये सारी प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को क्या रखना है इसके अंदर, रीफिंग करना है कि इन्वर्टिब्रेट्स रखना है कि क्या करना है आप लोगों को, वो फिश ओनली रखना है, तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। day 4 देख सकते हैं आप लोग, और फ्रेंड जितनी स्पीड्स आप लोग को टाइम लैप्स में दिख रही चीज़ें इतनी स्पीड से नहीं होती हैं, पर डे 6 to 7 hours की एक्वास्केपिंग है ये कह सकते हैं, फिर इतना टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी ड्राई होने में भी टाइम लगता है, उतनी देर बैठना पड़ता है, कुछ और प्लान डिस्कस करना पड़ते हैं उतनी देर में। फ्रेंड्स अब फिर से हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स पहले हम लोगों ने खाली सुपर ग्लू से जोड़ा हुआ था उसको, और अब हम लोग उसको फाइनल टचअप दे रहे हैं, उसको फाइनल परमानेंट उसको बॉन्ड बना रहे हैं। फ्रेंड अब हम लोग सैंड डालने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स फाइनली अपना स्केप हो चुका है, और इधर यार स्केप अभी थोड़ा देर में प्रॉब्लम आ गई थी, ब्रेक हो गया था, तो उन्होंने सपोर्ट देखे हैं, लोगों ने जोड़ा है और इसलिए इधर सपोर्ट दिया हुआ है, और ये अभी हम लोगों ने सैंड डालना स्टार्ट कर दी है, और सैंड डालने के बाद हमें मोटर करने से पहले थोड़ा सा बढ़ा देंगे। चलिए अपने सैंड फिल करते हैं और फिर आप लोगों को आगे कम्प्लीट होता है। फ्रेंड्स हम लोग इसके अंदर सैंड फिल कर रहे हैं, और सैंड जो है फ्रेंड्स इसका जो ग्रेन साइज है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 mm से बड़ा है, और ज़्यादा महीन सैंड हम रिकमेंड नहीं करते हैं। काफ़ी लोग जैसे हमने ओल्ड टैंक में रेड सी की सैंड यूज़ कर रही थी तो काफ़ी लोग वही वाली पूछते हैं, तो फ्रेंड्स हम उतनी महीन सैंड रिकमेंड नहीं करते हैं, थोड़ी सी मोटी सैंड यूज़ करिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वो वेव मेकर के फ्लो से इधर उधर शिफ्ट नहीं होगी, शिफ्ट तो सारी सैंड हो जाती है बट स्टिल थोड़ी मोटी सैंड कम शिफ्ट होगी। फ्रेंड्स अब ये देख सकते हैं फाइनल एक्वास्केप अपना ये हो चुका है और सैंड डल चुकी है। सो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को एक्वास्केप अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के क्या सुझाव हैं, क्या रिकमेंडेशन है, क्या सजेशन है, सब नीचे कमेंट जरूर कर देगा। आप लोग को एक्वास्केप कैसा लगा और कैसा रहा ये एक्वास्केप, कितने लोग को अच्छा लगा, कितने लोग को बुरा लगा, सब कमेंट नीचे जरूर कर दिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा, और कमेंट तो आप लोग को करना ही करना है, एंड और सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है, क्योंकि हम लोग वाटर फिल करेंगे, तो सॉल्ट वाटर पहली बार फिल करेंगे इसके अंदर हम लोग, और देखेंगे कि लाइट वगैरह लगाएंगे और देखेंगे टैंक कैसा लग रहा है हमारा वाटर फिल होने के बाद, तो और उसमें सॉल्ट मिक्स भी करेंगे, सॉल्ट वाटर कैसे बनाते हैं वो भी उसमें देखेंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते जाइएगा, और पहले अपडेट के लिए हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हम बिहाइंड द सीन्स और काफ़ी सारी चीज़ों के अपडेट हम देते रहते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, प्लांटेड टैंक सबका अपडेट वहाँ पर आता रहता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।